भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। संकष्ट वज्र पंजरु अर्थ का आज आखिरी है ये दिन। हम कर रहे थे अतारक्षण, उसके अंतर्गत पुर प्रविष्ट स्त्री तारना मज जल भया पासोनी रक्षावे जी। डोमेग्राम में अपने देह गांव से आने वाली स्त्री जो थी, तो पानी के बहाव ज्यादा था, उसको वहां से उसकी रक्षा की। वो चलती चलती आई, उसका इच्छा थी मैं चक्र स्वामी महाराज के दर्शन करूं, तो पानी था नदी में बहुत, तो उधर से पानी के ऊपर ऐसे आराम से आगे चल के महाराज के दर्शनों के लिए देह गांव से छिन्नस्थली की लीला है। मज जल भया पासोनी रक्षावे जी, हमें भी जो पानी से डर लगता है उससे हमारी रक्षा करो। शीतल रूपा महाराज कहते हैं, शीतल यानी एक तो गर्म होता है, एक शीतल होता है, तो ठंडक मिल दी है ना, कहते आपसे मिलके बात करके मेरे मन को ठंडक पहुंच गई, दिल नु कलेजे नु ठंड पै गई। पंजाबी में बोलते हैं कलेजे नु ठंड पै गई, मेरा कलेजा साड़ देता है, ऐसी बात कर दी कि मेरा कलेजा जल गया। अब दिल बोलो कलेजा बोलो जो भी होता है, तो उल्टा अगर कोई हमते कहता है तो मेरे को आज जैसे पंच गंगा पंच रंडा वाला हो गया, तो मैं जलता था, लोग कहते थे ये पंच रंडा है, तो महाराज ने कहा पंच गंगा नामकरण। कहता आज मैं निवर्त गया, जितना मेरे को लोग बोलते थे मेरे अंदर गर्मी थी, आज आपने मुझे शीतल कर दिया। तो कोई हमें बुरी बात कहता है तो हमारे अंदर आग लग जाती है, और कोई हमें अच्छी बात करता है तो हमारे को, तो शीतल रूपा यानी हमारे दिल में ठंडक पहुंचाने वाले मज अग्नि भया पासोनी रक्षावे जी। किसी भी प्रकार की कोई अग्नि जलन वैर द्वेष, इनको भी जलन, एक एक अग्नि होती है ये जो दिखाई देती है, एक अग्नि होती है जो दिखाई नहीं देती, हमारे शरीर में होती है जठर अग्नि, हाँ जठर अग्नि, और दूसरा कोई बात कह दे तो हमारे कहते हमें आग लग गई। तो ऐसे दोनों जो अग्नियां हैं उससे हमारे को हमारी रक्षा करना जी। तैले कारा कुमति हरना, तैले कार की कुमति का हरण किया, कुमति यानी बुरी मति का हरण किया, मज दुर्जनाची कुमति हरावी जी। वो तैले कार वो तलवार लेकर आया, ठीक है, उसकी कुमति का हरण किया, तो ऐसे एकांक में महाराज ने उसकी जो मन में बुरी भावना थी उसका हरण किया। मज दुर्जनाची कुमति हरावे जी, मैं जो हूँ दुर्जन हूँ, मेरी कुमति का हरण करना, दूसरा मेरे प्रति दुर्जनों की जो कुमति है, मैं सही हूँ सज्जन हूँ पर सामने वाला दुर्जन है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे बारे में अनाप शनाप बोलता है, तो महाराज उसकी भी कुमति का हरण कर। अगर मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष है कुबुद्धि है तो उसका भी हरण करना महाराज। सादा अभेदानी, सादा महाराज को, सादा को अभेदान दिया था महाराज ने, मज अभय द्यावे जी, डर यानी उसका डर दूर किया था। तो महाराज कल भी हमने पढ़ा तुम्हें सर्वभूता अभे द्यावे की औसा माता को कहा, तो सादा को भी अभेदान दिया। सादा को अभेदान दे क्या दिया, ऐसे भी बात की मैंने एलो की, तो महाराज बात कर रहे थे कि बाहर से विदेश से लोग आएंगे और मनुष्यों को जानवर की तरह बांध कर ले जाएंगे। सादा डर गई, कहती महाराज मुझे ऐसे ना हो, तो महाराज ने कहा सादा को अभेदान दिया। तो बाद में जब ऐसा हुआ स्वामी के जाने के बाद, तो जब धाड़ आई तो सादा माता को आचार्य जी ने बिठाकर अंदर, जो बुजुर्ग साधु महात्मा थे चक्र स्वामी महाराज के अनुयायी, मंदिर में बिठा दिया। उस मंदिर का नाम भी है इधर, मैं भूल गया, इधर है परवनी साइड में या इधर नीचे की तरफ है, बड़ा फेमस मंदिर है। उसको गेट पे बिठा दिया चौखट पे ऐसे डंडा लेकर, तो वो पीछे से दहाड़ आई, तुझे पूछा कौन है, कहती मैं चक्रधर स्वामी की एलो हूँ। तो कहते ठीक है, वो चले गए सब, तो अंदर जितने भी थे महात्मा भाइयाँ उनकी रक्षा हुई। तो वो सादा महाराज माता को अभेदान दिया था, तो मज अभे द्यावे जी। ऐसे हमें भी कोई आते हैं चोर हेर लूटने वाले, या उससे हमारे को रक्षा करना, भय दूर कर देना हमारा, ताकि हम उनका सामना कर सकें। हमें डर लगता है ना, हाय चोर आ गया,
कोई आ गया हम बंद कर देते हैं, शेर आ गया हम डर जाते हैं, तो हमारे को उनको फेस करने की शक्ति दो, हम उनका सामना कर सके। सादा ने उनको सामना किया ना, बोली ना वो, मैं सादा चक्र स्वामी की येलो हूं। हम बोलेंगे कुछ नहीं, हम तो अंदर छुप जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें बोलना चाहिए। हम कहेंगे महाराज अपने आप करेंगे, ऐसा नहीं है, हमें खड़े होना चाहिए वहां पे। ये बात है अबे दान में। बाईसा प्रेम दानी, बाईसा माता को प्रेम दान दिया पैठन में, उसी तरह से मज प्रेमा सी पात्र करावे जी, मुझे भी आपका प्रेम साधन मिले उसके लिए पात्र यानी एलिजिबल करो जी। पात्र का मतलब एलिजिबल होना, पात्रता कहते हैं ना, योग्यता पात्रता। नौकरी करने जाते हो तो उसमें कहते हैं योग्यता और पात्रता, आप यू आर नॉट एलिजिबल। दसवीं में एडमिशन लेनी तो 9th पास होना चाहिए, प्लस टू में एडमिशन लेनी है तो 11वीं होनी चाहिए, एमए में एडमिशन लेनी तो भैया की होनी चाहिए। अब आप 8-10वीं का बच्चा 10वीं के बाद बोलेगा मुझे एमए में एडमिशन लेनी तो देंगे क्या? तो बोलेंगे आप बीकॉम करके आए हो तो मिलेगी। फिर ए वो आधार कार्ड बनाना है तो उसके वोट डालनी तो 18 साल की होनी चाहिए। तो ऐसे एक योग्यता या पात्रता होनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट से पेंशन चाहिए तो बोलेंगे आप नहीं पेंशन मिलेगी, आप पात्रता नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, हैंडीकैप होना चाहिए, कंसेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए। तो हर चीज़ के लिए धरती पे भी पात्रता है। लाइसेंस बनाना है तो आपको 18 साल का होना चाहिए, शादी करनी तो उसके लिए अगर 18 साल से कम हो तो उसको शादी नहीं करने देते, 21 साल का लड़का होना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से। जिंदा शरीर में रहने के लिए इतनी पात्रता चाहिए, तो ऐसे ही परमेश्वर का धर्म ज्ञान के लिए पात्रता चाहिए। तो प्रेम जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उसके लिए भी हमें पात्रता चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए। तो वो क्या है, 14 उपाय बताए हैं, 14 कार्यों में से कोई एक कार्य आपने किया चाहिए होना चाहिए, यानी 14 तरह के एग्जाम्स हैं, वो एग्जाम आपने पास किए होने चाहिए। वो एग्जाम अगर पास किए हुए हैं तो आपको महाराज प्रेम देंगे। अब कनाडा जाना है तो भैया पहले कहते हैं ना इतनी उम्र इतना पैसे जमा कराओ, वीजा होना चाहिए। तो ऐसे हम शॉर्ट में ये समझ सकते हैं 14 बातें बताई हैं, उनमें से एक बात या 14 कार्य बताए हैं, 14 कामों में से एक काम आपने कोई किया होना चाहिए तो आपको प्रेम मिलेगा। तो कह रहे हैं जैसे बाईसा माता ने उनमें से एक कार्य किया हुआ था, सेवा की हुई थी, तो 8 और 6 ऐसे हैं, 8 अकेले करने हैं, 6 लोगों के बीच में करने हैं, तो उसमें से 14 में से कोई एक कार्य आपने किया हो जिंदगी भर और महाराज को स्वीकार हो आपका वो कार्य, तो आपको प्रेम के लिए एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर अगले जन्म में जैसे बाईसा माता को मिला तो श्री चक्र स्वामी महाराज हमें भी प्रेम दान देंगे आंखों के द्वारा, फिर हमारा विकार विकल्प स्वभाव सब खत्म हो जाएगा और हमको हर वक्त श्री चक्रधर महाराज के अंदर स्वरूप दिखाई देगा जो उनकी बॉडी के अंदर है। वो उससे फिर एलिजिबिलिटी के बाद जो हमको शक्ति देंगे प्रेम शक्ति, तो हमें ऐसा होगा। पर उसके लिए एलिजिबिलिटी का पैटर्न है, क्रिटेरिया है 14 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है जी। मज प्रेमासी पात्र करा। नागा अर्जुना वरदानी, नागार्जुन आचार्य जी को कहते हैं, आचार्य जी को उनको वरदान दिया, मज सकल ही वरद करावे जी, ना आचार्य जी को वरदान दिए कि आपको हम आगे चल के प्रेम देंगे। हाँ, तो जब डोमे बेलापुर से महाराज निकलने लगे तो उन्होंने पूछा, तो कहते महाराज मुझे प्रेम दो, आपने कहा आग्रह करना चाहिए, तो मैं आग्रह कर रहा हूँ तो मुझे दो। कहते तुम्हें जरूर देते लेकिन हमने तुम्हें आचार्य बनाया, हम तुम्हें प्रेम दान जरूर देंगे, वरदान दे के गए तुम्हें प्रेम दान देंगे। वरदान दे दिया कि अभी हमें काम करना है, धर्म चलाना है, ये मार्ग ज्ञान मार्ग चलाना है, पर मार्ग चलाना है, तो तुम्हें तुमने आचार्य बना दिया, हम उत्तराखंड जा रहे हैं पर तुम आप मांग रहे हो जब हम बेलापुर से जा रहे हैं, तो तुम्हें हमने वरदान दे दिया कि तुम्हें प्रेम अवश्य देंगे पर अभी नहीं, इस वक्त मांग रहे हो इस वक्त नहीं। अगर उस वक्त हो जाता तो फिर नहीं, फिर अब एक्चुअली में लेट हो गए ना, उन्हें मालूम ही नहीं था। वो कहते हैं भगवान ज्ञान के बाद प्रेम होता है, भगवान ने कहा हाँ, वो भाई साहब महादाईसा ने पूछा है वो भी, तो वो गए कहती नागदेव नागदेव ऐसे भगवान ने कहा,
वो कह रहे हैं, आचार्य कहते हैं मादाई साहब तू कह रही है कि महाराज कह रहे हैं? आचार्य ने पूछा, मादाई साहब ने पूछे। तो उन्हें कहा मुझे पहले, वो कहती महाराज आपने मुझे बताया नहीं। नागदेव जी कहते कहते तूने पूछा ही नहीं। वो रोने लग पड़े, तो कहते महाराज मुझे अब प्रेम दो। कहते अब लेट हो गया तू, हमने तुझे आचार्य कर दिया, उत्तराखंड जाना है, इस ज्ञान मार्ग को तूने चलाना है, बट हम तुझे प्रेमदान जरूर देंगे। ये वरदानी है, नागार्जुन महाराज आचार्य जी को प्रेम का वरदान दिया। मज सकल ही वरद करावे जी, मेरे को सभी वरदान दो जी। कैवल्य दानी, कैवल्य पद देने वाले, ईश्वर की प्राप्ति का दान देने वाले, मज सकल ही दाना सी योग्य करावे जी, मेरे को सभी दान के योग्य करो जी। सिद्ध रे सिद्ध पानी पात्रकार का, ये शुरू शुरू में एकांक में लीला है। सिद्ध रे सिद्ध, सिद्धाते कवि नहीं ओलखे ना। तो महाराज गए बराड़ में शादी में, वहां कहते सिद्ध रे सिद्ध, ये नाथपंथी ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? पानी पात्रकार का, यानी हाथों में पानी, यानी हाथ पात्र बनाकर उसमें भोजन भिक्षा लेने वाले। तो सिद्ध रे सिद्ध महाराज की शुरू की लीला है एकांक में। मज सकल ही सिद्धि दयावी जी, जितनी भी सिद्धियां हैं वो मुझे प्रदान करो। एक रिद्धि होती है, एक सिद्धि होती है। रिद्धि होती है समृद्धि, सिद्धि होती है कि आपके अंदर ताकत आ जाती है, हमने सिद्ध कर लिया। मंगल अवलोकना, डोमे ग्राम में महाराज जब सुबह बाहर निकलते थे तो जो मुख्य द्वार है उसके सामने एक स्थान है, अवलोकन स्थान, मंगल अवलोकना। अमंगला सतीतिया मंगल रूपा होती, पूजा अवसर में भी आया है। यानी जिस तरफ अमंगल दिशा होती थी, महाराज उधर अवलोकन करते थे, वो मंगल हो जाती थी, उस वो एरिया जो है मंगल हो जाता था। मज दस दिशा रक्षावे जी, दस जो दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नैऋत्य ईशान्य, ईशान्य नैऋत्य वायव्य और अग्नय, और ऊपर और नीचे, दस दिशा हो गई। ये दस दिशाएं हैं, दस दिशाओं से मेरी रक्षा करो जी। ऊपर से गिर जाएगा कुछ, नीचे से भूकंप आ जाएगा, आसमान गिरते ना बिजली चमकती है, कहते आसमान गिर गया उसके ऊपर तो बिजली चमकती है, नीचे भूकंप आता है, तो इससे ये डर चीजें हैं। मज दस दिशा रक्षावे जी, संपूर्ण शक्ति स्वीकार का, यानी महाराज ने सर्वशक्ति युक्त हैं, संपूर्ण यानी जितनी भी शक्तियां हैं धरती पर उन सब का स्वीकार करते हैं महाराज। क्या करते हैं? स्वीकार। जब अवतार लेते हैं तो अवतार लेने के बाद वो उन शक्तियों को स्वीकार करते हैं महाराज, जैसे ज्ञान शक्ति स्वीकार की, कहाँ पे की? चक्र स्वामी महाराज ने रिद्धपुर में, और श्री कृष्ण महाराज ने कहाँ पे की? 12 साल में ज्ञान शक्ति स्वीकार। कंस का वध करने के बाद जो अभी विश्राम स्थान, विश्राम घाट है मथुरा में, कंस का वध करने के बाद उन्होंने ज्ञान शक्ति स्वीकार की। श्री चक्रपाणि महाराज ने कहाँ से की? श्री दत्तात्रेय महाराज से की, ऊपर पहाड़ी पे। श्री गोविंदपुर महाराज ने श्री चक्रपाणि महाराज से की, श्री चक्र स्वामी महाराज ने गोविंदपुर महाराज से। तो ये ज्ञान शक्ति स्वीकार करते हैं। तो ऐसे परमेश्वर सभी, वहां पे वचन है, सूत्र है, परमेश्वर स्वयं ज्ञान शक्ति स्वीकृति। तो ऐसे ईश्वर परमेश्वर सॉरी, जब अवतार धारण करते हैं तो अवतार धारण करने के बाद सभी ज्ञान, सभी शक्तियों को स्वीकार करते हैं, यानी हम उन शक्तियों का कार्य करेंगे, उनका उपयोग करेंगे। उपयोग करना ना, तो उसको कहते हैं संपूर्ण शक्ति स्वीकार का। माजी सकल मनोकामना पूर्ण करावे जी, महाराज मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें, क्योंकि आप सभी शक्तियों, सभी शक्तियां आपने स्वीकार की हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं है कि आप नहीं कर सकते, तो मेरी सभी मनोकामना पूर्ण। श्री चक्रधर राया गोस्वामियों से शरण। ये रक्षण जो है यहाँ पर संपूर्ण होता है। आगे इसका कंक्लूजन है 10 लाइनों में। ऐसे है संकष्ट वज्र पंजरू, ऐसा जो संकष्ट वज्र पंजरू पीछे 3 पैराग्राफ में बताया गया, आपन स्मरीजे, यानी हमने खुद स्मरण करना है। तो मूज बानी आपने इसको याद करना है, यानी अपने बाय हार्ट इसको लर्न करना है चाहिए। तो आप कहीं जैसे 5 नाम आपको याद है, ऐसे इसको भी याद कर लो,
और कहीं पर भी बैठ के इसको पढ़ने का। अब आपको प्रॉब्लम आई, आप किताब ढूंढने जाओगे क्या? संकट आ गया तो हम किताब ढूंढते हैं, उससे मूझ बानी यानी बाय हार्ट अभ्यास हमें होना चाहिए, तो हम कहीं भी बैठकर इसको स्मरण कर सकते। अपन स्मरिजे का अनिका कर भी स्मर विजय, या किसी को संकट आने वाला आया हुआ है तो उसको बोलो कि तू इसको इसका पाठ कर। तेने परमेश्वर त्याचे सकल संकष्ट परिहरती, उससे परमेश्वर उसके सभी संकष्ट संकटों का परिहार करते हैं। का क्यों करते हैं? पुरुष प्रयत्नी देवाचे सहाय, कहते हैं अगर हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कब करते हैं? जब हम प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न नहीं करेंगे तो ये बात याद रखना, हमने कोशिश करनी है और परमेश्वर उसकी जो टीका है व्याख्या उसमें लिखा गया है, कोई इतना प्रयत्न करता है इतनी सहायता होती है, कोई इतना प्रयत्न करता है इतनी सहायता होती है, कोई इतना प्रयत्न करता है इतनी सहायता होती है। ये भी है, सबको बराबर होती है ऐसा नहीं है, डिफरेंस है हमारे पिछले अधिकारों का, कर्मों का। माता मैंने तो बहुत किया, मेरे को भगवान ने मदद नहीं की, उसने एक बार किया उसको मदद हो गई, ऐसा भगवान भेदभाव करते हैं क्या? नहीं। उसकी इस वचन की जो टीका है व्याख्या है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, अपने पिछले पे डिपेंड करता है कि इतना करते हैं तो इतनी मदद होती है, कोई इतना करता है, कोई इतना करता है तो इतनी होती है, कोई इतना जितनी कोशिश करता है उतनी मदद होती है, कोई इतनी मदद करता है तो कोशिश करता है तो इतनी सहायता होती है, कोई इतनी कोशिश करता है तो इतनी सहायता होती है। ये पिछले ये पिछला सारा हमारी श्रृंखला होती है। हाँ, थोड़े से में मिल जाता है, तो ये पीछे उन्होंने किया हुआ है, ऐसे नहीं है कभी वो भी ऐसे ही होंगे, वो जोड़ के रखा हुआ, सब जोड़ के रखा हुआ। एक्चुअल में सारा ऐसे बैलेंस था, वो धीरे धीरे हमने क्या किया, कर्म कर करके अपनी बातें बोल बोल के ना सब बैलेंस बिगाड़ लिया, ग्रीन जोन रेड जोन हमारा चेंज होता गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब से सृष्टि की रचना हुई, ये धरती बनी, तब से ये हमारी सहायता चल रही है, लेकिन हमने अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी स्वतंत्रता की वजह से उसे बैलेंस को चेंज किया हुआ है आज की डेट में। अब इसको सुधारना कैसे है? अब हमने आज कोशिश करते रहना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर वो आपका बैलेंस बढ़िया आ जाएगा। अब हम एक लेवल पे पहुंचने के बाद ऐसा होता है कि आप इतनी सी कोशिश करो, इतना मैं तो बस सोचती हूँ, साथ में 5 मिनट दत्त बाबा कर देते हैं। हाँ चक्र स्वामी, बस मैं सोचती हूँ तो साथ में मेरा काम कर देते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। प्रयत्न यानी कोशिश करना, मेहनत करना। पुरुष प्रयत्नी देवाचे सहाय, तथा तू उबा ठाकला सीची पूरे, और तुम सिर्फ खड़े हो जाओ, बाकी सब हम कर देंगे। मार के तू खड़ा हो जा, बाकी हम सिद्धि ते थोनी ची नहीं जाल की हो गया। मनोनी संकष्ट स्मरणी, इसलिए संकट के समय में स्मरण करते हुए निर्वेद अनुताप अनुशोच आर्थ पूर्वक आठ विजय, तो हमारे अंदर भावना होनी चाहिए, रोना चाहिए, तो ये संकष्ट वज्र को याद करना है। त्याची परमेश्वर सकल ही आर्थ पूर्वीति, जो इसको संकष्ट वज्र को पढ़ता है महाराज उसकी सारी जो आर्त है वो पूरी करते हैं। क्यों? कापा आर्ता ते परमेश्वर वाड़ो वाड़ी गिवसिति, जो आर्त है उसको महाराज जगह जगह ढूंढते हैं कि सच्ची आर्त किसकी है। तो यहाँ बैठे बैठे महाराज चिंतन करते हैं कुछ मेरे लिए सच्ची आर्त कौन कर रहा है, जहाँ पर भी बैठे हैं तो वो दूर से उनको पता चल जाता है उसको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से उसकी आर्त दिया, तो भगवान कोई ना कोई ऐसा जरिया बना देते हैं कि उसकी आर्त पूरी हो जाए। मेरा मन है महाराष्ट्र में जाने का, मेरा मन है कि मार्ग से आज भिक्षु का है, बड़ा मन था पर क्या करूं, तो थोड़े दिन परीक्षा चलती है तो महाराज एकदम पूरी कर देते हैं, थोड़े दिन बाद 3 दिन बोलो 10 दिन बोलो ऐसे होते हैं तो महाराज कर देते हैं, आर्त पूरी कर देते हैं, जहाँ बैठे हो वहीं पूरी कर देते हैं। आनी आर्त करो नहीं ऐसी चीज दसी चीज धरीली पूरे, और महाराज कहते आर्त करते हुए हमारा पल्लू भी अगर थोड़ा सा पकड़ लिया आपने, ये धागा भी पकड़ लिया अगर, ये देखो ये धागे से मैंने टॉवल उठा लिया, किससे? ये धागे से पकड़ा हुआ, सर धागा पकड़ो पक्की तरह से, दसी जी का मतलब ये होता है, तो भगवान को पूरा पकड़ा हो, जैसे मैंने टॉवल को थोड़ा धागा भी पकड़ा है तो समझो टॉवल पूरा पकड़ा जा रहा है। ये देखो टॉवल उठा लिया एक धागे से, मैंने टॉवल के मैंने धागा पकड़ा है,
माने कहते इतना धागा ही पकड़ लो आप, बस पूरे इतना ही बहुत भरपूर हो गया तुम्हारा पकड़ना। एथी चीज दसी चीज धरीली पूरे आर्थ करो नहीं लेकिन आर्थ पूर्वक। ऐसे है संकष्ट वज्रप्रभु वंज्र पंजरु आर्ता प्रति बुलावे। ऐसा जो संकष्ट वज्रप्रभु है जिसके अंदर आर्त है उसी को बताना चाहिए। ना ही तरी लोहे पानी गिलीले ऐसे हो, नहीं तो चुपचाप जैसे गर्म लोहे पर पानी डालो, तवे पे आप छिट्टे मारते हो ना तो पानी कहाँ जाता है, बस वैसा पानी अंदर समा गया। ऐसे गर्म लोहे पर पानी डालने से जैसे सूख जाता है ऐसे अपने अंदर इस चीज को समा लो। ऐसे है संकष्ट वज्र पंजरू, ऐसा जो संकष्ट वज्र पंजरू है उत्तर अभिमुख, उत्तर की तरफ मुख करके बैसोनी पश्चात प्रहरी स्मरण कीजिए। अर्ली मॉर्निंग यानी सूरज निकलने से पहले, पश्चात प्रहर का मतलब रात का पश्चात आखिरी प्रहर, पश्चात आखिरी को बोलते हैं। तो पश्चात यानी रात का जो आखिरी प्रहर है, यानी जब सूरज की किरणें निकलती हैं पॉप उठती है उससे पहले पहले। हाँ प्रहर मतलब 3 घंटे होता है, तो आप अंदाजा लगा लो सूर्य कितने में निकलता है, पौ कब फूटती है, सूर्य मतलब पौ कब फूटती है, यानी थोड़ा सा उजाला जैसे वो बनाई थी ना सुबह हमने वीडियो, थोड़ा थोड़ा भी रोशनी है, इधर काला काला है बादल है, थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आई तो उस रोशनी निकलने से पहले पहले। तो सर्दी गर्मी का समय का हिसाब आप देख सकते हो एग्जैक्ट, मैं 3 से 6 घड़ी टाइम नहीं बोलूंगा वॉच के हिसाब से, मैं आपको सूर्य के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो पश्चात प्रहरी स्मरण कीजिए यानी सूर्य की किरण फूटने से पहले हमें यह स्मरण करना। तरी एक मासा तो 1 महीने में, तथा 2 मासा द्विमासा यानी 2 महीने में, अथवा 3 मासा या 3 महीने में, तथा शन मासा नहीं तो 6 महीने में मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदर्थी संशय नाही, इसमें कोई संशय नहीं है। हे सदा काली इसका पाठ हर समय करना चाहिए। आप बोलोगे 1 महीना कर लिया 2 महीने कर लिया मनोकामना पूरी होगी, बंद कर दो आप, यहाँ 6 महीने पड़ा बंद कर दिया, नहीं पूरी जिंदगी इसको स्मरण करना है, इसका पाठ करना है। अब बात क्या, 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 5 बार करना है। 1 बार तो रोज करना है, अगर आपकी मनोकामना है तो 3 बार या 5 बार अब लंबा है तो कम से कम पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, तो आपको 3 बार या 5 बार करना चाहिए। ठीक है जी, तो 3 महीने 6 महीने में जैसा जैसा करोगे उसमें हो जाएगा। ठीक है जी, एवं संकष्ट वज्र पंजरु संपूर्ण दंडो श्री चक्रधर स्वामी की। ऐसा ये संकष्ट वज्र पंजरु हमारे पूर्वजों ने बनाया है रक्षण करने के लिए, उद्धरण के लिए नहीं है ये, रक्षण के लिए है। तो रक्षिता होए उद्धरिता होए, तो अगर हमें रक्षण चाहिए सभी चीज़ों से तो हमें इसका पाठ प्रतिदिन आयुष्य भर करना चाहिए। दंडत प्रणाम, दंडत प्रणाम, दंडत प्रणाम, श्री चक्रधर स्वामी की जय।